केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गडकरी सीएम योगी की तारीफ में कसीदे पढ़ते नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए उनकी तुलना भगवान कृष्ण से कर दी। दरअसल यूपी के महोबा जिले में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 3,500 करोड़ की सड़क परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान नितिन गडकरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। उसने मुझसे महाकाव्य भगवद गीता के बारे में बताया, जिसमें भगवान ने कहा है कि जब भी अन्याय होगा वो अवतार लेंगे और बुराई का अंत करेंगे। जैसा भगवान कृष्ण ने किया, योगी जी भी सज्जन लोगों की सुरक्षा के लिए उसी तरह से काम कर रहे हैं और इसी भूमि पर एक इतिहास बना रहे हैं हमारे योगी जी। मैं आज देश की जनता की तरफ से उनको धन्यवाद दूंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में एक बात कही, वो योगी जी के काम को देखकर याद आती है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राजा ऐसा होना चाहिए जो मां बहनों की रक्षा करने वाला चाहिए। राजा ऐसा होना चाहिए जो सज्जनों की रक्षा करने वाला चाहिए। राजा ऐसा चाहिए जो अन्याय करने वाले को उखाड़ कर फेंकने वाला चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने मंच से यूपी के लिए 41,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं की घोषणा करते हुए कहा कि वर्ष 2024 से पहले यूपी की सड़कें अमेरिका की तरह होंगी, ऐसी सड़कें बना देंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ और इसलिए आपको वचन देता हूँ कि 2024 समाप्त होने के पहले बुंदेलखंड के और उत्तर प्रदेश के रोड नेशनल हाईवे अमेरिका के बराबर बनेंगे ही। आप भूल जाओगे पुरानी यादों को, ऐसे रोड बना देंगे कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते, लोगों का विश्वास नहीं बैठता। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसी भी दल पर कोई टिप्पणी नहीं करते हुए सिर्फ विकास पर बात की। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ की पावन साधना स्थली में बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, इन सभी जनपदों से जुड़ी हुई 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आज वहां पर संपन्न हुआ और महोबा भी तो बाबा गोरखनाथ की ही पावन साधना स्थली है। वीर आला और उदल की ये भूमि है और मुझे बताया गया कि गोरखगिरी में अब तो पर्यटकों की संख्या पहले की तुलना में 3 गुना से अधिक बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि पूर्वांचल के विकास को लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार विकास परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। जाहिर है अगले साल लोकसभा चुनाव होना है, उससे पहले केंद्र सरकार भी पूर्वांचल के विकास को लेकर खजाने के द्वार खोल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।